तो भाई क्या हाल चाल, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक सिमेंट्री वेयर हाउस जो कि पबजी मोबाइल में ऑलरेडी आप हर जगह देख चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, सिमेंट्री जैसे हमारी वेयर हाउस रहेगी वही चीज़ यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉर्डर के लिए कुछ ब्लॉक्स रखेंगे। मैं यहाँ पे वुडन ब्लॉक का यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक में आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक नहीं कर सकते, हल्का चॉकलेटी कलर है ये आप ब्लॉक यहाँ पे यूज़ करने वाला हो। जो इसकी हाइट रहेगी गाइस वो 8 के आसपास रहेगी और जो इसकी लेंथ रहेगी गाइस वो 10 के आसपास रहने वाली है। तो फटाफट इसको बनाते और पूरा पहले इसको बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं ताकि फटाफट हमें जो वॉल्स है उसको भरने में ज़्यादा टाइम ना लगे और ज़्यादा समय ना लगे और बहुत आसानी से हमारा जो वेयर हाउस है वो क्रिएट हो जाए, बन जाए बिल्कुल ईजली तरीके से। तो यार वीडियो की स्पीड थोड़ा मैं अधिक कर देता हूँ ताकि कि आप देखने में आपको बोरिंग ना लगे और आपको अच्छा भी लगे और पूरा वीडियो भी आप आसानी से देख ले, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ा देता हूँ। और पहले आप नीचे का बॉर्डर यहाँ पे देते हैं, नीचे को मैं पूरा ब्लैक वुड से करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बॉर्डर देते हैं, फिर उसके बाद जो हमारा वॉल्स है उसको फिलअप करेंगे, फिर उसको डोर के लिए और मेन गेट के लिए जो हमारा सीमेंट्री का वेयर हाउस रहता है उसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर हम बनाने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा बॉर्डर बन के पूरा रेडी हो गया। तो फटाफट यहाँ पे एक ब्लॉक रखते हैं एक मेन गेट के लिए और यहाँ पे मेन गेट भी हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मेन गेट जैसा आपका वेयर हाउस सीमेंट्री वाला वेयर हाउस पबजी मोबाइल में बिल्कुल सेम यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फटाफट ये स्लैब्स रखूँगा जिससे कि एक छज्जा बन जाए ताकि कि एकदम उसी की तरह लुक यहाँ पे आ जाए। तो एंड तक पहले इसको हम लगा लेते हैं पूरा और यहाँ पे एक छज्जा बना लेते हैं। इससे क्या होगा, एक और यहाँ पे हम ब्लॉक्स लगा दे रहे हैं, इससे क्या होगा जहाँ पे हम लोग वेयर हाउस में खड़े होकर टीपी पी लेते हैं वो वाली प्लेस यहाँ पे बन जाएगी। तो फटाफट ये क्लियर हो गया। अब जो हमारी वॉल्स है उसको यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। और गाइस अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने में मज़ा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। और चैनल और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि बनाने में और भाई बहुत मेहनत लगता है। इसके लिए मैं कोई प्रेफरेंस नहीं लेता हूँ, मैं कोई भी फोटेज या फिर ये देख के नहीं बताता हूँ कैसे बनाना है कैसे नहीं। पबजी खेला रहता हूँ वही माइंड में रहता है, वही चीज़ मैं बना देता हूँ यहाँ पे। और आपको पता ना हो तो मैंने पिछली वीडियोस में मैं यहाँ पे अपना वो बनाया था स्क्वाड हाउस बनाया था, वो भी मैं आपको इसका एंड स्क्रीन में वो वीडियो दे दूंगा, आप जाकर वो भी चेकआउट कर लेना। उसे बनाने में तो भाई साहब हमको कम से कम 4 घंटे लग गए थे एडिटिंग बनाने में घर को और एडिटिंग करने अपलोड करने में मिला जुला के 4 से 5 घंटे लग गए थे क्योंकि उसे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट था, बहुत मेहनत लगी थी उसे बनाने में। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ, बस यहाँ पे गेट के लिए एक जगह निकाल देते हैं और गेट को भी एक आउटलाइन दे देंगे जिससे क्या होगा काफ़ी खूबसूरत लगेगा। ये वुड का आउटलाइन मैं देने वाला हूँ, चॉकलेटी वुड का जो हमारा है यहाँ पे, फटाफट आउटलाइन दे देते हैं ताकि गेट का एक अच्छा सा लुक आ जाए और समझ में आए कि ये हमारा गेट है, फिर आगे का काम करने वाले हैं। तो ये देखिए फिनिश हो गया। यहाँ पे कुछ स्लैब्स लगा देते हैं गेट के साइड में, एक स्लैब्स निकलता है छज्जा टाइप का निकला रहता है, तो ये भी यहाँ पे हम लोग फिनिश कर देते हैं। और फटाफट जो ये वॉल है इसको हम फिलअप कर देते हैं ताकि ये फिलअप हो जाने पर कुछ अच्छा लुक आ जाएगा। फिर उसके बाद हम ऊपर के भी जो हमारा ऊपर लगाना है ऊपर हम स्लैब्स भी लगा देंगे। यहाँ पे गाइस अभी हम बहुत कुछ बनाना भी बाकी है, अभी देख रहे हैं पहले ऊपर हम यहाँ पे स्लैब्स लगा देते हैं। स्लैब्स लगाने के बाद आपको खुद ही क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये सच में वेयर हाउस की ही तरह लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फटाफट पहले थोड़ा एक्चुअली होता था बार बार जल्दी जल्दी में क्या होता था ना कि जो हमारा स्लैब्स है एक पे दो दो लग जाता था जिसकी वजह से तोड़ना पड़ जाता था और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। खैर कोई नहीं, यहाँ पे तो हमारा बन चुका था, तो मैं बस एडिट कर रहा हूँ, एडिट करने के बाद कमेंट्री कर रहा हूँ, तो कमेंट्री में थोड़ा सा अगर इशू होगा तो उसके लिए सॉरी। और हाँ गाइस सपोर्ट करने के लिए हमेशा वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना। तो यार ऐसे में बहुत सारी चीज़ें बना रहा था, ऐसी मतलब बोलते हैं ना कि यार बहुत चीज़ें बनाना मज़ा आता है, तो वही चीज़ मैं सीख रहा हूँ, अभी बहुत कुछ बना रहा हूँ। आगे इन फ्यूचर में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो बनाऊँगा जो कि आप एकदम देख के एकदम शौक हो जाएंगे। तो गाइस ये देख सकते बस पीछे का मेरा फिलअप बाकी है, तो फटाफट पीछे का भी भर देते हैं यहाँ पे बगल में जो है, सॉरी पीछे का नहीं है बगल का है, पीछे का तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप कर चुका हूँ वॉल, तो ये भी फटाफट यहाँ पे फिलअप कर देते हैं ताकि ये और अच्छा लगे लुक देखने में। यहाँ पे मैं बॉर्डर देना था तो दे दिया और इसका फिलअप करने के बाद लास्ट में हमारा एक काम बचता है, वो है जो हमारी ज़मीन है जो हमारी लैंड है उसको कुछ और कलर देना। और यहाँ पे प्लानिंग बना रहा हूँ गाइस कि मैं ब्लैक वुड जो चॉकलेटी वुड है ब्लैक वुड चॉकलेटी सेम हो वैसे ही लग रहा है, तो जहाँ पे वो वाली चीज़ मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो फटाफट देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे वो जगह को गड्ढा खन रहा हूँ जहाँ पे मुझे ये लगाना है ब्लैक वुड है या फिर चॉकलेट वुड जो भी कह लो आप, वुड लगाना है तो इसके सरफेस के लिए, इसके प्ले जो लैंड है हमारी जहाँ पे हम सामान रखते हैं उस चीज़ के लिए। तो इससे क्या होगा कि एक अच्छा लुक आएगा और मस्त लगेगा देखने वाले में। और यहाँ पे एंड में मैं कुछ लाइट मोमबत्तियाँ का भी यूज़ करूँगा जो कि अच्छा लगेगा। तो फटाफट पहले चलते हैं इसको स्लैब भर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, बार बार मैं ब्लैक वुड मतलब वही वुड वाला सेलेक्ट कर रहा था, बार बार मेरा वाइट वाला कंक्रीट आ जा रहा था जो ब्लॉक्स है, तो बार बार इसको वो करना पड़ा, सॉरी गाइस। तो गाइस इस तरीके से करने के बाद ये हमारा देख सकते हैं लगभग लगभग ये पूरा हो गया है गाइस।
अगर आपको ये वीडियो सच में अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना हौसला को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ फटाफट पहले इसको करते हैं, प्लेस करते हैं और ये वेयर हाउस बन के रेडी हो जाता है गाइस। यहाँ पे अगर ये वेयर हाउस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, और यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ लगा देता हूँ, सीढ़ियाँ लगाने के बाद भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो मैं वही सीढ़ी यूज़ करूँगा जिसका मैं ब्लॉक यूज़ कर रहा था वुडन वाला यहाँ पे। तो फटाफट लगा देते तो एक वेयर हाउस का लुक आ जाएगा, बाहर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की ये और वेयर हाउस दिखने वाला जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और साइड से भी घूम के देखेंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगने वाली है। और यहाँ पे फटाफट मैं लाइट लगा दे रहा हूँ। तो गाइस यार देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि वीडियो में क्या कमी है और इस वेयर हाउस में क्या कमी है, क्या मैंने नहीं लगाया, ये भी कमेंट कर देना ताकि मैं अगर इन फ्यूचर इसकी वीडियो लाऊँ तो वो उसमें मैं क्लियर कर सकूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाय।